लेकिन अभी तक की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती रियासत की साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर नशीन का बड़ा ट्वीट और बड़ा बयान सामने आया है, और यह बयान उस वक्त सामने आया है जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, डीडीसी के पंचायत के बाई इलेक्शन। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है कि डीडीसी इंतखाबात के हवाले से महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, धांधलियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है जी, धांधलियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बड़ा बयान दिया है। मित्री बुक शुपिया में भी फोर्सेज एहलकारों लोगों को घरों से बाहर आने नहीं दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी लगा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मित्री बुक शुपिया का गांव है जहां पर वोटरों को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेज पर बड़ा इल्जाम इस वक्त मित्री बुक में लगाया है महबूबा मुफ्ती ने कि उन्हें बाहर आकर वोट डालने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और धांधलियां करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। महबूबा मुफ्ती बड़ा बयान उस वक्त जब पांचवें फेज के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, और इस बीच महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर चुकी है। बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि डीडीसी इंतखाबात के हवाले से महबूबा मुफ्ती का बड़ा ट्वीट सामने आया है, धांधलियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बड़ा इल्जाम, और साथ साथ एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। मित्री बुक का जिक्र किया है जहां पर सिक्योरिटी एहलकार लोगों को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है तो इसके बाद सियासत भी इस पर काफी ज्यादा तेज होगी।